फ्रेंड्स, देखिए हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई रेसिपी। ये है बड़ी वाली सेमे। फ्रेंड्स, देखिए हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई रेसिपी। ये है बड़ी वाली सेम की फली। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको इन्हें छीलना बताते हैं कि इन्हें कैसे छीलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हम इस तरीके से छीलेंगे। इस तरीके से हमें सब छील लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें इस तरीके से छील लिया है, अब हम इनको काटेंगे। चलो अब हम काटना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से काट लेनी है और इसी तरीके से हमें सब काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबको काट लिया है, अब हम इसके लिए आलू छीलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेमी के लिए लिए हैं 3 आलू, अब हम इनको छील लेंगे। चलिए अब इनको हम छीलते हैं। देखिए अब हम इन्हें छील लेंगे। इसी प्रकार से हमें हमें सबको छील लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू छील लिए हैं, अब हम इनको धुल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें आलू को 2 बार वॉश कर लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इनको काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से आलू को काटना है। आलू को हमें ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। देखिए इस प्रकार से हमें काटना है और इसी प्रकार से हम सब आलू काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको अच्छे से धुल लेंगे। इसी प्रकार हम इन्हें 2 बार वॉश कर लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे। देखिए अभी इनमें गंदा पानी निकल रहा है, हम इन्हें 1 बार और धुलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें धुल के निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सबको निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने रख दी है गैस पे कढ़ाई, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। जो ये बड़ी वाले सेमे हैं, हमें इनको अच्छे से तलना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें तेल डाल दिया है, अब हमको तेल अच्छे से गर्म कर लेना है। चलिए तब तक हम देखिए क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 2 घंटे प्याज और 1 घंटे लहसुन, इसको हमें छील लेना है। तेल हो चुका है, अब हम इसमें सेमी छोड़ देंगे, मतलब डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेम को इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, अब हमको इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। चलिए इनको ब्राउन होने देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार करते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने लहसुन प्याज तैयार कर लिया है, अब हम इनको पीसेंगे। फ्रेंड्स, हम इनको सिलवटने से पीसेंगे, आपके यहाँ मिक्सी हो तो आप मिक्सी से ही पीस सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये लाल मिर्च भी पीसेंगे। चलिए अब हम इन्हें पीस के तैयार कर लेते हैं। मसाला पीस के तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इन्हें निकाल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इन्हें अलग बर्तन में निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने तेल डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये लोहे की कढ़ाई में बनाओ से में तो ये हल्की काली हो जाती है और कढ़ाई भी काली हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो जो मसाला हम डालेंगे वो मसाला है, यह है धनिया और जीरा पाउडर मिक्स, ये स्वाद अनुसार नमक, यह है गरम मसाला और ये जीरा है, ये हल्दी है। हम जीरे का तड़का लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है हींग। हींग बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, सिर्फ थोड़ी खुशबू के लिए। हींग से हमें हाजमा मिलता है, हींग डालना बहुत अच्छी बात होती है, हमें हर खाने में हींग डालनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, जीरा हो चुका है लाल, अब हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन और प्याज मिक्स था, इसको हम डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड, हमने इसे प्याज को डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से लाल कर लेंगे। प्याज हो चुका है लाल, अब हम इसमें डाल देंगे घी। देखिए फ्रेंड, हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा धनिया पाउडर जो मिक्स था, देखिए फ्रेंड्स, हमने वो भी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है गरम मसाला। गरम मसाला कम मात्रा में पड़ता है क्योंकि ये बहुत तेज होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार आप जैसा भी खाते हैं उस तरीके से आप डाल सकते हैं नमक को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब मसाले पड़ चुके हैं लगभग। और जो फ्रेंड्स हमने पीसी थी लाल मिर्च, वो हम डाल देंगे क्योंकि हम लाल मिर्च अलग पहले डाल देते हैं, इसमें बहुत घसा उठता। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ट्रे में और जो आलू थे वो डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्के से पानी के छींटे मार देंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, हमें हल्के पानी में ही बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें 5 मिनट ढक के बनाएंगे। देखिए ढक दिए। देखिए फ्रेंड्स, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें ढक के 5 मिनट और पकाएंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गई हैं बन के बिल्कुल रेडी। अब हम इन्हें अलग पैन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके हो गई है तैयार। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। एक बार आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें।